आपके साथ तालिबान कितने सिंसियर है, मुल्ला फकीर को छोड़ दिया उन्होंने, कि आप अलाइंड है उनके साथ, आप उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, आप ये इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, आपको इसका लॉन्ग रन पे इतना डैमेज होगा आप सोच नहीं सकते। अभी तो सारी दुनिया ने इकट्ठे होने उनके खिलाफ, अभी देखो तो होता क्या वहां पे। आपने जश्न मनाने जल्दी शुरू कर दिए, आपको चाहिए ना थोड़ा सोचें देखें, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, बल्कि पहुंच चुके हैं, आपके अंदर तो एक्टिव हो चुके हैं, मुल्ला फकीर तो एक्टिव है। फिर जंगे होंगी, फिर लड़ाइयां होंगी, एक दूसरे को गोलियां चलेंगी, असला चलेगा अमेरिका का, और आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान पे आने में कितनी देर लगेगी। नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि पाकिस्तानियों ने जश्न जो मनाना था वो जल्दी शुरू कर दिया, क्योंकि अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अभी ये शुरुआत है, जस्ट ये शुरुआत हुई है, जस्ट ये शुरुआत है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठा हो गए और उसके बाद तालिबान की बैंड बजा सकते हैं। अब तालिबान के पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो, अगर मान लो कि भारत ने कुछ हमला कर दिया या फिर भारत के सपोर्ट से किसी और कंट्री ने या फिर नॉर्दर्न अलायंस ने कुछ सपोर्ट, भारत के सपोर्ट से नॉर्दर्न अलायंस ने किया, तो तालिबानों के पास ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं जिसके हिसाब से वो कर सके। और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को यहाँ पर अफेक्ट होगी, पाकिस्तान को डेफिनेटली। और पाकिस्तान ने जो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की है ना, वो खुद उसमें फंसेगा, क्योंकि ये तालिबान वाली सिचुएशन भले ही उसको लगती हो कि तालिबानों ने टेक ओवर कर लिया तो बात खत्म हो गई, ये खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि ये तालिबान यहाँ नहीं रुकने वाले। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, वो नहीं मानते, हालांकि अभी नहीं बोलते क्योंकि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो ये बात बढ़ चढ़ के बोलेंगे कि भाई ये जो बॉर्डर है हम उसको नहीं मानते, ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत ही बुरे हालात, जो 90s में हम हालात देखते थे, एक मरतबा फिर हम घूम फिर कर उन्हीं हालात पर पहुंच गए। तीन धमाके एट ए टाइम, यानी एक वक्फे वक्फे के बाद हुए वहां पर, और उसके बाद वहां पर जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है वो सैकड़ों से, यानी कि दर्जन नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हो चुकी है, सैकड़ों में पहुंच चुकी है, और कोई जो जख्मियों की तादाद भी इससे ज्यादा बताई जा रही है, कोई 160 या 200 के करीब कहा जा रहा है जख्मी है। तो जाहिर है जब इतने शदीद जख्मी है तो उनमें भी मजीद जो इंक्रीज होगा अभी कैजुअलिटीज में, यही लग रहा है। अच्छा, ये सब हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो वहां पर हम स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तालिबान क्या सोच रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा है, और जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स और अमेरिका है, पाकिस्तान, भारत, ये सब क्या सोच रहे हैं और अब आगे क्या होगा। मेकरा साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगले घंटे भी खतरनाक हैं। उन्होंने ये तीसरा धमाके से पहले वार्न किया था। अफगानिस्तान की इनकम क्या है इस वक्त, हीरोइन डॉलर या वेस्टर्न डॉलर है? वो वेस्टर्न डॉलर तो बंद हो गए, हीरोइन जो है तालिबान की बात कर रहे हैं कि मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ कि तालिबान किस इनकम से चलाएंगे अफगानिस्तान को, बातों से तो नहीं चलेगा ना, वो उन्हें तो सिर्फ लूटना, और उनके पास तो वेपन्स की ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, वो भी सिर्फ AK-47 चला सकते हैं, वो दूसरी चीजें नहीं चला सकते, वो मोटरसाइकिलों पे बैठ के आए हैं, वो कौन सा उनके पास कोई एयर डिफेंस था। देखें, जीत उनकी नहीं हुई, हमारे अमेरिकन जो है इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, सबसे बड़ी बात यह है, जीत तालिबान की नहीं हुई है, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया को, ये हमेशा जेहन में रखें। तालिबान किसी वजह से भी गिरते हैं, खाना जंगी शुरू होती है, जो कुछ वहां होगा सारे का सारा मलबा सारी दुनिया इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट उठा के पाकिस्तान पे डालेंगे, ये एक रिटर्न है इस प्रूवन के पाकिस्तान विल बी हेल्ड लायबल रिगार्डलेस अपनी गलतियों से प्रॉब्लम बने तालिबान के साथ, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा मौरूए उनको ठहराया जाएगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी कंपेन ही गलत चलाई है। एक तरफ हमारे इमरान खान साहब कह देते हैं कि जी हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है, साथ ही असेंबली में जाके कह देते हैं कि उन्होंने अमेरिका की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। इसी टॉपिक पे आगे जा रहा था कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान का मॉडल जो है वो सिर्फ बातों से चलने वाला नहीं, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको फॉरन पॉलिसी चाहिए, आपको तालीम की पॉलिसी चाहिए, आपको इकॉनमी की पॉलिसी चाहिए, आपको लीडरशिप चाहिए, पढ़े लिखे लोग आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस तरह चलाएंगे। यहाँ पे क्योंकि सब लोग अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, उनके साथ तो जुल्म देखिए अफगानिस्तान के लोगों के साथ, कि वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए शायद कहीं पहुंच जाएं और वहां पर वो मारे गए, तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को? उसे रिक्वेस्ट कर दी है कि अमेरिकनों के जाने के बाद
प्लीज काबुल के एयरपोर्ट को आप देखें, आप आगे टेक्नोलॉजी भी लेकर आए और आप इसको चलाएं, वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी। ये पाकिस्तान के लिए एक धजका है इनकी फॉरेन पॉलिसी को। पाकिस्तान को क्यों नहीं पूछा गया? और इस वक्त काबुल के एयरपोर्ट के हालात में बताता हूं क्या वहां पे सिचुएशन क्या है। तालिबान ने बाहर चेक पोस्ट बनाई है अपनी, उसके अंदर एक रिंग है वो जो जिसको टर्किश आर्मी रिंग देखती है, उसको एयरपोर्ट के बाहर हसार जो है वो टर्किश सोल्जर्स के पास, उसके अंदर अमेरिकन है। ये दो लेयर्स हैं बाहर उनकी, एक टर्किश है और उसके बाद अमेरिकन है, और उसके बाहर जो जो चेक पोस्ट है वो तालिबान की है। अब आगे मजीद आने वाले दिनों में तो वो अफगानियों को आने नहीं दे रहे अंदर, अभी भी नहीं आने दे रहे, अभी सिर्फ फॉरन जो फॉरनर हैं उनको आने दिया जा रहा है अंदर। अफगानियों को तो उन्होंने रोक दिया था मेरे ख्याल एक दिन पहले, और उसके बाद आगे फ्यूचर में भी उनका जो उन्होंने बल्कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपना तालिबान के हेड ने, उन्होंने भी ये कहा है कि अफगानियों को, उन्होंने बल्कि डायरेक्टली खिताब किया उन्होंने अमेरिकन को कहा कि डोंट टेक आर स्किल्ड पीपल, हमारे इंजीनियर डॉक्टर ना लेकर जाओ, हमें भी यहाँ जरूरत है उनकी। तो उनका मतलब यही इशारा था कि अफगानियों को हम नहीं जाने देंगे अपने सिटीजंस को। तो सर, तो आपका मतलब ये कि कुछ जो सोशल मीडिया पे लोग जो ये भी बात कर रहे हैं कि ये अपने लोगों को जाने से रोकने के लिए हुआ है, तो आप ये कह रहे हैं कि तालिबान भी करा सकते हैं? पाकिस्तान के लोगों को जो कंसर्न है, जो पाकिस्तान का कंसर्न सबसे बड़ा, वो ये है कि वहां से तो दहशतगर्दी इस तरफ आने के जो है बहुत ज्यादा वो हालात बढ़ रहे हैं, इतनी शदीद जब वहां पे शुरू हो गई तो पाकिस्तान के साथ क्या होने लगा है? वो जो एक मुआयदा हुआ सर, वो जो एक मुआयदा हुआ उस पर भी बताइएगा ना कि ये मुआयदा हुआ तो नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी मौजूद है उसके साथ हम ये कह रहे हैं उनको कि वो इधर ना आए। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ तालिबान कितने सिंसियर है? मुल्ला फकीर को छोड़ दिया उन्होंने, आपसे पूछा भी नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, आपका बॉर्डर बंद कर दिया था तालिबान ने आते, वो क्यों बंद किया गया था? वो कहते थे कि आप घंटे बढ़ाए बॉर्डर पे, आप सब लोगों को अंदर जाने के बगैर चेक करने से, आपके साथ तो वो ऑन बोर्ड है ही नहीं है। फिर आपको लॉलीपॉप दिया कि हम तीन रुकनी कमीशन बनाएंगे टीटीपी को ठीक करने के लिए, फिर वो कमीशन से भी मुकर गए। फिर अगली डील सुने उनसे, अगली जो स्टेटमेंट उनकी ये थी कि हम आपकी टीटीपी से सुलह कराते हैं अगर दोनों पार्टियां एग्री करें। और भाई अगर दोनों पार्टियां एग्री कर दें तो आपकी जरूरत ही क्या है फिर? और सबसे बड़ा आलमिया आपके साथ ये है कि आपने जो जश्न मनाया है आप अफगानिस्तान बॉर्डर और आपने लाल मस्जिद के ऊपर तालिबान का झंडा लगा दिया है, एक तो दो चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि आपकी गवर्नमेंट की रेट नहीं है, एक चीज देख रही है। दूसरी चीज क्या देख रही है कि आप अलाइंड है उनके साथ, आप उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, आप ये इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। आपको इसका लॉन्ग रन पे इतना डैमेज होगा आप सोच नहीं सकती, लेकिन इसको आपकी गवर्नमेंट के पास सकत नहीं है कि इन चीजों को कंट्रोल कर सके। ये हम वाशिंगटन डीसी में बैठ के देख रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए, बहुत रॉन्ग मैसेज जा रहा है। जो आपने लाल मस्जिद में झंडे और वहां पे अगले दिन आ चुकी है वीडियो, बच्चियां गाने गा रही हैं कि तालिबान को वेलकम तालिबान के हक में, और पिशावर में और क्वेटे में जश्न मनाए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर करके तालिबान को दिए जा रहे हैं। भाई मैं कहता हूं मनाओ जश्न, तो उनको कुछ दिन तो दे दो यार, को प्रूव कर लें कि वो किस तरह चला रहे हैं गवर्नमेंट, अभी तो गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश नहीं हुई, कुछ देख तो लो, कुछ वेट तो कर लो यार। आप भी बिल्कुल इस्लामिक रिपब्लिक बनाना, आप भी इसको तालिबान तालिबस्तान ही बना देना, मुझे कोई एतराज नहीं इसमें, देख लो ना, अभी तो सारी दुनिया ने इकट्ठे होने उनके खिलाफ, अभी देखो तो सही होता क्या वहां पर। आपको एतराज नहीं है साजिद साहब, हमें तो बहुत एतराज है। देखिए नहीं, पहले ही जो आइडियोलॉजी माइंडसेट वो है, हालात ये हैं, तो अगर बना दिया तो हम तो बोलेंगे, हम तो बोलते रहेंगे इसके ऊपर। जब हम ये देखते हैं सारा कुछ तो तकलीफ होती है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसमें ये मैं बताऊं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी डस्ट इज नॉट सेटल्ड, आपने जश्न मनाने जल्दी शुरू कर दिए, आपको चाहिए ना थोड़ा सोचें देखें, स्टेटमेंट्स भी ना दें। अब इसमें अगली चीज, सऊदी अरेबिया ने कुछ स्टेटमेंट दी है? एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल खामोशी है जी। हाँ, और उनको चैलेंज टर्की कर रहा है, टर्की तैयब अर्दगान उनका स्टेटस छीनने लगा उनसे। अफगानिस्तान देखे, अफगानिस्तान में तालिबान मुजाहिदीन को पैसे दे दे के सऊदी, इतना पैसा उन्होंने दिया जिसकी हद को नहीं, आज वेयर आर दे नथिंग। आपको भी चाहिए था थोड़ा वेट करें, देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आप वो कहते ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इतनी जल्दी दीवाना नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में। ये मेरा जो एज ए पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा आ रहा है, उसमें सोच आती है, आपको चाहिए था थोड़ा वेट करें। आप अगर एंगेज भी है तालिबान के साथ तो वेट करें, देखें। आपके पास तो चॉइस को नहीं था ना, आपके पास तो 30 लाख बैठे हैं आप माजरीन, आपके पास क्या चॉइस है? और आपकी मर्जी से नहीं बैठे वो, तो आगे घुस गए, आगे अंदर आ गए, आप रोक ही नहीं सकते उनको।
और आज भी नहीं रोक पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त क्या चल रहा है, मैं आलिया दूसरी बात बताना चाह रहा हूं इंटरनेशनल स्टेज पे क्या हो रहा है। आपको यह नहीं पता कतर में उन्होंने लोग पकड़ लिए आईएसआईएस के रजिस्टर्ड जो कि अमेरिकन रडार पे थे, जो अलकायदा के हिस्से हैं, दे आर रैकेट इन अमेरिकन एजेंसीज में, और एज ए महाजरीन बन के जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में आ रहे हैं। ये कंसर्न है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे? वो जाएंगे, बल्कि पहुंच चुके हैं। आपके टीटीपी के लोग तो उन्होंने अगले दिन जाम शोरों से पकड़े जो कराची अटैक करना चाह रहे थे आपकी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे। आपके अंदर तो एक्टिव हो चुके हैं, मुल्ला फकीर तो एक्टिव है, इज गोइंग वो तो अपने सारे। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो तो सुसाइड बॉम्बर में मास्टर्स है। वो जो तालिबान ये कह रहे हैं कि वो सुलह करवा देते हैं पाकिस्तान और उनकी, या उनको मना कर लेंगे या उनको रोक लेंगे पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने से, तो किसी बेस पर रोका जाएगा ना, कोई उनको दिखाया जाएगा कोई बेनिफिट, कोई कुछ तो लालच दिया जाएगा, वो क्या होगा? क्या हम उनको अपने मुल्क में बसाएंगे, क्या करेंगे? ये जो बात हो रही है। अच्छा, दूसरी एक और बात कि हम ये जो कह रहे हैं आप, पाकिस्तान ने तो बड़े दौरे किए, बड़ा कुछ किया, और ये कहा गया कि अब, पहले तो हमेशा ही होता था कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में सब कुछ करवा रहा है, ठीक है ना, सारा ब्लेम उस तरफ चला जाता है, ठीक है जी, ठीक है, और हम मानते नहीं है, चले ठीक है जी करवा रहा है। तो अब जो है, अब तो वो निकल गया वहां से, अब तो इसके ऊपर खुशियां मनाई गई कि ठीक है हम सारे ऑल इन ऑल है, वो निकल गया, तो अब ये हालात क्यों, और अब हम क्यों डर रहे हैं कि हालात हमारे खराब होंगे? अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ा ज्यादा कंसर्न ये है मेरा कि जब भूख पड़ती है लड़ाइयां तब होती हैं। अब तालिबान के पास ना तनख्वाहें देने के पैसे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह चुका है एक हफ्ते तक दवाइयां खत्म हो जाएंगी, वहां खाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर जंगे होंगी, फिर लड़ाइयां होंगी, एक दूसरे को गोलियां चलेंगी, असला चलेगा अमेरिका का। और आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान पे आने में कितनी देर लगेगी उसको? इस वक्त आपको पता है, इस वक्त आपके बताने वालों को मैं ये चाहूंगा, काबुल एयरपोर्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी रश किस पे, किस जगह पे लगा? आपके क्वेटा के बॉर्डर पे सबसे ज्यादा। और आपका वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है कि आने वाले लोग कौन है, वो दहशत गर्दी के लिए आ रहे हैं या महाजरीन बन के आ रहे हैं? आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आपके पास कोई बैरोमीटर नहीं है आप चेक करें। बस यही तो एक इश्यूज हैं, जब देखते हैं कि आगे कहां जाना है। और जिस तरीके से आपने जश्न मनाए हैं क्वेटा और पिशावर में, वो आपने दुनिया को तो बता दिया ना सारा कोई, आप व्हाट इज योर माइंडसेट? फिर आप कहते हैं कि हम तालिबान के साथ नहीं है, हमारा उन पर असर रसूख नहीं है, तो जश्न किस बात में मना रहे हैं आप?